अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आज हम उर्दू की बुक में से नज़्म इत्तेफाक पढ़ेंगे। आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लें। पेज नंबर है 103। पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, हाइलाइटर आपके पास होना चाहिए ताकि आपको वर्ड्स के मीनिंग्स लिखवाए जाएं और वो आप लिखें, और हाइलाइटर के साथ आप ऑब्जेक्टिव हाईलाइट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इत्तेफाक जो नज़्म का उन्वान है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि यहाँ पर इत्तेफाक की, इस नज़्म में इत्तेफाक की अहमियत को वाज़े किया गया है कि जब हम इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ आपस में रहेंगे तो कोई भी हमारा बाल बेका नहीं कर सकता, किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि हमें नुकसान पहुँचा सके। अगर हम इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ आपस में मिलजुल कर रहेंगे तो हमें तरक्की भी मिलेगी और कामयाबी भी मिलेगी। और बहसियत कौम जब हम देखते हैं तो किसी दुश्मन की तरफ, दुश्मन की भी ये जरूरत नहीं होगी कि वो हमारी तरफ मैली आँख से देखे। कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाते हैं कि वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकु, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो, यानी आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहो। इस्लाम की रस्सी जो है, इस्लाम जो है उसको मजबूती से पकड़ लो और फिर इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहो, और आपस के इख्तलाफात जो हैं उनको भुला कर इत्तेफाक के साथ रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब हम इत्तेहाद और इत्तेफाक से नहीं रहेंगे तो हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, ठीक है। फिर कोई भी आकर हमें नुकसान पहुंचा सकता है, किसी भी तरह से हम नुकसान का शिकार हो सकते हैं, और फिर जवाल और पस्ती जो है वो हमारा मुकद्दर बन सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर ये वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स आप लिख लें। ना इत्तेफाकी यानी बिगाड़, फूट, नफाक भी कह सकते हैं। उसके बाद है बर्बादी, तबाही, मिलाप, मिलना या इत्तेफाक, बूंदे, बारिश की फुवार, मसल, मिसाल, लुत्फ, मज़ा, एका, इत्तेहाद और इत्तेफाक। मैंने ऊपर मीनिंग्स आप लोगों के लिए लिखे हैं, आप लोग लिख सकते हैं इस तरह से। तो चले स्टार्ट करते हैं। हमेशा मिल के रहने के नतीजे नेक होते हैं, वहीं कुछ लुत्फ होता है जहां दिल एक होते हैं। नज़्म के शायर का नाम है नसीम अमरोहवी, ठीक है। तो नसीम अमरोहवी इस शेर में कह रहे हैं कि जो लोग आपस में मिलकर इत्तेफाक के साथ रहते हैं, इत्तेहाद के साथ रहते हैं, वही कामयाब होते हैं, ठीक है। और उनकी ज़िंदगी में भी इसी तरह से मज़ा होता है कि वो लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं क्योंकि उनके दिल एक होते हैं सबके के, और उसका जो अंजाम है वो भी यही होता है, नतीजे नेक होते हैं, यानी उनका अंजाम भी अच्छा होता है क्योंकि उनमें आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक होता है, वो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते। तो जो लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते कामयाबी उनका मुकद्दर बनती है। तो यहाँ पे भी शायर इत्तेहाद और इत्तेफाक का ही दर्स दे रहे हैं कि उन्हें ऐसे लोगों को कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई दुख उनके करीब भी नहीं आता जो आपस में मिलजुल कर इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहते हैं। दूसरे नंबर पे जो शेर है, यही एका तो रास्ता कामयाबी का दिखाता है, यही एका तो हर मुश्किल में अपने काम आता है। एका यानी इत्तेफाक। अब यहाँ पे शायर ये कह रहे हैं कि यही इत्तेफाक और यही इत्तेहाद जो है वो हमें कामयाबी के रास्ते पर ले जाता है, कामयाबी हमारा मुकद्दर बनती है, और इसी इत्तेफाक और इसी इत्तेहाद की वजह से हम हर मुश्किल से आसानी के साथ बाहर आ जाते हैं, हम हर मुश्किल से लड़ सकते हैं। दुश्मन का मुकाबला भी इसी इत्तेफाक और इसी इत्तेहाद के साथ मुत्तहिद होकर लड़ सकते हैं। बहसियत मुसलमान अगर हम देखें तो अगर हम
दुनिया के तमाम मुसलमान एक हो जाएं, तो किसी की इतनी जुर्रत नहीं है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुसलमानों को डरा सके, उनके साथ लड़ सके। क्योंकि जब सारी दुनिया के मुसलमान एक हो जाएंगे, वैसे भी अल्लाह अल्लाह और कुरान और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा जब हम हैं, तो हमें आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर भी शायर यही बताना चाह रहे हैं कि अगर हम एक होंगे तो हम कामयाब होंगे, मिलजुल कर रहेंगे तो कामयाब होकर रहेंगे, और अगर आपस में लड़ाई झगड़े दुश्मनियाँ जो है वो जारी रखेंगे तो फिर हम कामयाब नहीं हो सकते। जो हो आपस में दुश्मन, रहम उन किस्मत के मारों पर, मसल मशहूर है दो मिल के भारी हो हजारों पर। अब यहाँ पे इस शेर में भी शायर इत्तेहाद और इत्तेफाक की अहमियत पर जोर देते हुए कह रहे हैं कि जो लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे के साथ दुश्मनी रखते हैं, उनके लिए उनके उनकी हालत पर रहम आता है, और ऐसे लोग बदनसीब होते हैं, ठीक है, बुरी किस्मत वाले होते हैं, ठीक है। इन बदकिस्मत लोगों पर सिर्फ रहम ही किया जा सकता है, इनके बारे में सिर्फ सोचा ही जा सकता है। और वैसे भी कहावत मशहूर है कि जब दो लोग होते हैं तो वो दो लोग मिलकर बहुत सौ का मुकाबला कर लेते हैं, यानी दो, एक अकेला होता है और दो 11 होते हैं, यानी ज्यादा लोग मिलकर दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं, जबकि एक एक जो होंगे अकेले होंगे दुश्मन उनको आसानी से जेर कर सकता है, ठीक है। आपने वो कहानी भी पढ़ी होगी कि एक बूढ़ा जो था उसके चार बेटे थे, और उसने उनको बुलाया अपने पास और उनसे कहा कि ये जो गट्ठा है, कुछ लकड़ियों का गट्ठा उन्हें पकड़ाया कि बारी बारी इसको तोड़ने की कोशिश करो, तो क्योंकि वो गट्ठा था ज्यादा लकड़ियों का तो वो उसको नहीं तोड़ सके, ठीक है। लेकिन जब उसने उस गट्ठे को खोल दिया और उसको कहा कि अब इस एक एक लकड़ी को तोड़े, तो उन्होंने आसानी के साथ तोड़ ली। तो यहाँ पर उस बूढ़े ने अपने बच्चों को ये मिसाल दी कि अगर तुम लोग आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहोगे तो दुश्मन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, लेकिन अगर आपस में लड़ोगे, झगड़ोगे, तो दुश्मन बड़ी आसानी से तुम्हें जेर कर सकता है, बड़ी आसानी से तुम्हें पछाड़ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, वो बूंदें जो बिखर कर एक दम में सूख जाती हैं, जो मिल जाती हैं आपस में तो फिर तूफान उठाती हैं। इस शेर में शायर जो है वो बारिश की मिसाल दे रहे हैं। अच्छा, बूंदें मतलब बूंदें कहते हैं कतरों को, बारिश के कतरे, ठीक है, और एकदम सूख जाती हैं यानी खुश्क हो जाती हैं। मिसाल शायर जो है वो बारिश की मिसाल देते हुए कह रहे हैं कि जिस तरह बारिश के कतरे एक एक करके जब जमीन पर आते हैं, ठीक है, तो वो एकदम सूख जाते हैं, जमीन पर उनका कोई असर नहीं होता, बल्कि वो गिरते जाते हैं और साथ साथ ही खुश्क होते जाते हैं। लेकिन यही बूंदे अगर मिलकर लगातार और मुसलसल बारिश की सूरत में जमीन पर आना शुरू हो जाए तो फिर वो तेज बारिश बन जाती है, और यही बारिश जो है वो तूफान भी उठा सकती है, सैलाब का सबब भी बन सकती है, ठीक है। तो ये सब जो है ये उनके आपस के इत्तेहाद और इत्तेफाक को शो कर रही है, ठीक है। जब वो आपस में जमीन पर मिलकर मुसलसल आती है बारिश की सूरत में, तो यही बारिश जो है फिर वो अनाज उगाने का सबब भी बन जाती है। जाहिर है जब फसलों में, खेतों में एक एक कतरा गिरेगा, एक एक बूंद गिरेगी, तो उससे जमीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब वो ज्यादा पानी की सूरत में, मुसलसल बारिश की सूरत में आएगी तो अनाज भी उगेगा, फसलें भी पैदा होंगी, ठीक है। तो ये सब आपस उनके आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक का ही नतीजा होगा। जिस तरह से अलामा इकबाल कहते हैं ना, फर्द कायम रबते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। नेक्स्ट शेर है, नहीं कुछ डर अगर मिल बैठने की शान बाकी है, वहीं होती है बर्बादी जहां ना इत्तेफाकी है। बर्बादी यानी तबाही। अभी इस शेर में शायर ये कह रहे हैं कि जो लोग आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ नहीं रहते, या
जो कौमें आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ नहीं रहती तो तबाही बर्बादी उनका मुकद्दर बन जाती है। वैसे भी कहते हैं कि इत्तेफाक में बरकत है और इत्तेहाद में ताकत है, तो जो आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ नहीं रहेंगे वो तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, दुनिया में उनकी कोई अहमियत नहीं रहेगी, उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी। तो जो लोग आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, उनको आपस में मिलजुल कर अपने मसलों को, अपने झगड़ों को सुलझा लेना चाहिए, हल कर लेना चाहिए। और इसमें कोई डर वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि इत्तेहाद में और इत्तेफाक में ही बरकत है और उसी में उन लोगों की शान भी है। शान यानी आन बान, शान इज्जत आबरू इसी चीज में है कि वो इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहें। लास्ट शेर में शायर कह रहे हैं, सबक देती है हर शय दुनिया के कारखाने में, मिलाप आपस का है सबसे बड़ी ताकत जमाने में। इस आखिरी शेर में नसीम अमरोही इत्तेहाद और इत्तेफाक पर रोशनी डालते हुए ये कहते हैं कि जिंदगी की हर शय जो है, जिंदगी की के हर मोड़ पे हर चीज हमें सबक देती है, यानी ये नसीहत देती है। क्या नसीहत? के इत्तेहाद और इत्तेफाक बहुत बड़ी ताकत है। मिलाप मतलब मेलजोल, यानी आपस में हम जो मिलजुल कर रहेंगे तो हम कामयाब हो सकते हैं और कामयाबी हमारे कदम चूम सकती है, और यही सबसे बड़ी ताकत है। और इसी ताकत की वजह से हम दुश्मन का मुकाबला भी कर सकते हैं मुत्तहिद होकर, और मुश्किल वक्त में हम घबराएंगे नहीं जब हमारे हमारे पास जब हम इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहेंगे, तो किसी की इतनी हिम्मत और इतनी जुर्रत नहीं होगी कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सके। क्योंकि मुसलमानों ने जब तक मुसलमान जब तक आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहे तो उन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। ठीक है, लेकिन जब आपस में झगड़ना और लड़ना शुरू कर दिया तो फिर क्या हुआ कि जिल्लत और रुसवाई जो थी वो उनका मुकद्दर बन गई। और इसी तरह से हम अपना खोया हुआ मकाम जो है वो दोबारा हासिल कर सकते हैं अगर हम इत्तेफाक और इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ आपस में रहेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि मुसलमान एक दीवार की मानिंद है जिसकी एक ईंट दूसरी ईंट के लिए ताकत का बायस बनती है। ठीक है, यानी जब मुसलमान आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक दीवार जो है उसकी एक ईंट दूसरी ईंट के साथ जब जुड़ जाती है तो वो एक मजबूत दीवार बन जाती है। यही मिसाल मुसलमानों की है कि जब वो आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहेंगे तो एक दीवार की मानिंद मजबूत होकर रहेंगे। और हमारी तरक्की और खुशहाली भी इसी में है कि हम अपनी अपने इत्तेहाद और इत्तेफाक को ना छोड़ें। ठीक है, बकौल शायर कि तुम्हें कुछ याद है उसने कहा था मुत्तहिद रहना, जमात एक हो तो सहल है आफात का सहना। नज्म हमने पढ़ ली है, आप लोगों ने इसका ऑब्जेक्टिव अच्छे से याद करना है। आज की आपकी डायरी यही है कि डू बुक रीडिंग प्लस लर्न ऑब्जेक्टिव। इसमें नज्म में कुछ भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है, यानी मिसाल मैं आपको दे रही हूँ, सबक जैसे ये लास्ट वाला शेर है, सबक देती है हर शेर डैश के कारखाने में। ठीक है, इस तरह से। और दूसरा ये हो सकता है कि डैश आपस का है सबसे बड़ी ताकत जमाने में। तो आपने इस तरह से पूरी नज्म का को अच्छे से पढ़ना है और इसमें से सारे वर्ड्स जो हैं उनकी प्रैक्टिस भी करनी है और उनको एज अ ऑब्जेक्टिव उनकी तैयारी भी करनी है। मैंने अलग से ऑब्जेक्टिव मार्क नहीं करवाया, किसी भी लफ्ज को ऑब्जेक्टिव के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। थैंक यू।